हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो दोस्तों, आज की सेकंड वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपका भाई मौजूद है अपनी गोट के पास। ये देखें, डुलू बलू डुलू बलू, ये सुस्ता रहा है खाना पीकर। वो देखें, वो एक्टिव हो गया कि मुझे डालेंगे चारा। और ये हमारी लाडो रानी बैठी हुई है, इंजॉय कर रही हैं। इधर छाँव के लिए हमने ये लगाया हुआ है ताकि इसकी जो धूप है वो ना पड़े इन पर डायरेक्ट। तो ये आरजी बनाया हुआ खैमन माँ, तो इधर हम बांध देते हैं शाम को। तो इधर हमने चारा डालना है अब इनको, तो इनको अब हम खोलते हैं और चारा डालते हैं। और ये बड़ी बकरी है, इसका बच्चा अब जा रहा के फोत हो गया था, मर गया था, इंतकाल कर गया था। और इन दोनों की डोलू बोलो की मम्मा भी मर गई है। और इधर लाडो रानी जो बांधी हुई है वो, और ये इन दोनों की मम्मा भी बेचारी फोत हुई हुई है। तो यानी कि ये यतीम लवारिस सब कुछ ही हैं ये। तो इनको हम बांधते हैं और इनको जो चारा इनका डालते हैं ताकि ये इंजॉय करें। और आप वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, हमने डोलू बोलू वगैरह को छोड़ दिया है। तो ये देखिए, हमने चारा एंजॉय कर रहे हैं, कभी किधर को जा रहे हैं, कभी किधर को। तो हमने इन लोगों को इधर नहीं जाने देना, क्योंकि इधर जो ज़्यादा चारा पड़ा हुआ है तो इन्होंने ज़ाया कर देना है। तो ये इधर रह के खाएंगे। अब इनको हम बांधते हैं ताकि ये नुकसान ना करें। ये शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से इनको हम बांध के रहते हैं ताकि कोई चीज़ जो नुकसान हो ज़ाया ना करें। तो ये अपना चारा ही खाएँ, इंजॉय करें बस। ये देखे रानी कैसे इंजॉय कर रही है मज़े से। सुबह सुबह को, सुबह सुबह हम इन लोगों को छोड़ देते हैं ताकि ये जो हाथ पाँव में मार ले इंजॉय करें। तो सुबह सुबह इन लोगों को हम छोड़ देते हैं। ये इंजॉय करते हैं अपना।
तो दोस्तों बकरी जो एक पालतू जानवर है और सुन्नते रसूल भी है, तो आप भी अगर चाहते हैं कि घर में रखें तो लाजमी रखें, क्योंकि ये सुन्नते रसूल भी है और एक पालतू जानवर है, दूध भी देती है, गोश्त भी बहुत ज़्यादा इसमें नफ़ा है। अगर आप इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, मैं तो आपको यही कहूँगा। अगर करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं मज़ीद इस पर वीडियो आपको बनाकर बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी अद्वियात इनके लिए मुफीद है, कौन सा चारा इनको देंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।